एमपी में स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन छतरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जो स्वास्थ्य विभाग की और लापरवाह अधिकारी की पोल खोल रही है। इस अस्पताल में गलत इलाज के चलते एक गर्भवती स्त्री ने दम तोड़ दिया। नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भगवान भरोसे प्रसूताओं का प्रसव कराया जाता है। रविवार को दोनी की 20 वर्षीय प्रसूता प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। उस महिला की हालत क्रिटिकल थी, लेकिन इसके बावजूद वहां मौजूद नर्सिंग ऑफिसर ने ही अपनी लापरवाही के कारण उस महिला की एक तरीके से कहें तो जान ले ली। दरअसल वहां मौजूद नर्सिंग अफसर ने ही महिला की डिलीवरी करा दी और कुछ घंटों बाद महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने यह आरोप लगाया है और कहा है कि नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला डॉक्टर प्रियंका चौहान अपने फोन से ही अस्पताल चलाती हैं और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से ही मरीज की मौत हो गई। बताया गया है कि इस डिलीवरी के बदले में नर्सों ने पीड़ित परिवार से 2,000 रुपये भी ऐंठ लिए। नर्स ने ही कहा था, बोले नहीं तो पैसा दो नहीं तो फिर छतरपुर के लिए रेफर कर देंगे। डिमांड उनकी 2,000 रुपये की थी, जबकि हमने कहा हमारे पास है नहीं, तो पहले 500 दिया, 500 के लिए मना किया, बोले छतरपुर चले जाओ नहीं तो फिर 500 रुपये और दो, तो 1,000 रुपये दिए हमने जाके। न्याय मिलना चाहिए। देखिए, परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए हमारी तहसीलदार महोदया मैडम है, यहाँ पे पुलिस है, उनके बयान लिए जा रहे हैं, पंचनामा तैयार किया जा रहा है, जो भी निकल करके आएगा स्पष्ट रूप से जांच की जाएगी। देखिए, अभी पूर्व में जो भी आरोप ऐसे लगाए गए हैं वो सारे निराधार थे। अगर इसमें परिजनों के द्वारा ऐसा निकल के आता है, चूँकि सभी विभाग के यहाँ अधिकारी है, मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ, तहसीलदार मैडम यहाँ पर हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पंचनामा उनके बनाए जा रहे हैं, बयान लिए जा रहे हैं, जो भी साक्ष्य निकल के आएगा स्पष्ट किया जाएगा। जानकारी मिली हमारे SDM मैडम के निर्देश पे मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ और यहाँ पे जानकारी मिली है कि एक महिला है, दोनी निवासी हैं, बबलेश कुशवाहा, उम्र लगभग जिनकी 20 वर्ष है, उनकी डिलीवरी के बाद उनकी डेथ होना बताया गया है। बिल्कुल जाँच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।